प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ की सरकार में भाजपा नेता और महंत पुलिस के खिलाफ कलेक्ट्रेट परिसर में धरने पर बैठ गए, जहां महंत ने साफ तौर पर सहीबाबाद और गाजियाबाद पुलिस पर लापरवाही के गंभीर आरोप लगाते हुए चेतावनी दी है कि अगर SHO साहिबाबाद निलंबित नहीं होते हैं तो कल शाम महंत मार्कंडेय पशुपति उर्फ पंकज त्यागी आत्मदाह करेंगे। साथ ही पंकज त्यागी ने कहा कि पुलिस विपक्ष के नेताओं से मिलकर मेरी हत्या कराना चाहती है। मेरा नाम महाश्रीमान मान तंडे है, पशुपतिनाथ अखाड़े से मैं श्री महंत हूँ। मुझे 3 बार मारने की धमकी मिल चुकी है। नूपुर शर्मा जी की वजह से, स्वर्गीय कन्हैया लाल जी की वजह से, हिंदुत्व की वजह से कि मैं हिंदुत्व के लिए लड़ता हूँ। मैं रोहिंग्या मुसलमानों को निकलवाना चाहता हूँ, मैं बांग्लादेशी मुसलमानों को अपने देश से निकालना चाहता हूँ, इसलिए मुझे धमकी मिल रही है। जिसकी 1 महीना होने को जा रहा है, जिसकी आज तक पूरे गाजियाबाद की पुलिस ने, खासकर इंस्पेक्टर साहिबाबाद ने, मेरा 1 बार भी मेरे घर आके झांके नहीं है। उल्टा मुझे कहते हैं कि तुम अंदर रहो, नजरबंद हो जाओ। क्यों नजरबंद हो? मैंने कोई जुर्म किया है? मैं जब तक साहिबाबाद का इंस्पेक्टर सस्पेंड नहीं होंगे, लाइन हाजिर नहीं होंगे, मैं आमरण अनशन छोड़ूंगा नहीं, चाहे मुझे मरना पड़ जाए। और सुनिए एक चीज, अगर कल तक नहीं हुआ तो कल शाम को एक इतिहास रचूंगा, आत्मदाह करूंगा। यहाँ आप भाजपा के नेता भी हैं और आपकी सुनाई भी, मेरी लड़ाई मेरे योगी जी सबसे महान है। उन्होंने ही कह रखा है कि सब महात्माओं का आदर करो, लेकिन ये इतने बदतमीज है साहिबाद का इंस्पेक्टर कि उसको दिखता नहीं है कि एक महंत है। चोरों की गाड़ी अंदर हो जाएगी थाने के साहिबाद थाने में, एक महंत की गाड़ी अंदर नहीं हो सकती साहिबाद थाने के अंदर। वो मेरे सामने में ही बेइज्जती करते हैं कि इस गाड़ी को बाहर निकालिए। मैं उनसे अंदर में जाता हूं तो मुझे कहते हैं कि ये जो लेटर आ रहे हैं ये बच्चे घेर रहे हैं, उर्दू का लेटर भी बच्चे घेर रहे हैं, वो बच्चे मेरे पीछे पड़े हुए हैं। हंस के कहता आदमी, शर्म नहीं आती। किन माओं को लेकर आप बैठे हैं? मैं साहिबाबाद थाने का इंस्पेक्टर सस्पेंड होने चाहिए, पुलिस लाइन हाजिर होनी चाहिए, दूसरा इंस्पेक्टर आए दूसरे, मैं स्वागत करूंगा और वो जांच करें पूरी, ये मांग है मेरी। पुलिस को पूरी सूचना मिलती है, पुलिस ने FIR दर्ज करा दी और उसके बाद मेरी टीम गठित की है तुरंत SPCT2 और CO साहिबाबाद के नेतृत्व में काम करने के लिए, और पूरा टीम लगी है काम करने में। जो जो चिट्ठी आई है उसका पूरा सत्यापन कर रहा हम लोग और किसके माध्यम से इसके ऊपर वेरीफाई करें, पुलिस टीम ट्रेस कर रही और उसका जल्दी से जल्दी खुलासा करेंगे हम लोग। और साथ साथ उनकी चिट्ठी मिलती है तुरंत हमने उनका कनर भी एक प्रोवाइड किया है और बाकी हम लोग लगातार निगरानी रख रहे हैं और उनका आसपास इलाके में पेट्रोलिंग बढ़ा दिया और CCTV कैमरा उनके जो भी इलाका में जो कहा रहता है आसपास इलाका CCTV फुटेज भी लगाने CCTV फुटेज भी ट्रेस कर रहा है और साथ साथ CCTV फुटेज लगाने के भी हमने निर्देश दिए हैं पुलिस का आसपास होकर सभी निगरानी रख रहे हैं हम लोग और जल्दी से जल्दी केस का जो किसने चिट्ठी भेजा सबसे ज्यादा ट्रेस के भी जल्दी केस वर्कआउट करें। हम उसको पूरा जांच करेंगे, जो पुलिस का कोई मिसबिहेवियर है उसका CO साहिबाबाद को जांच देंगे, उनके साथ कोई मिसबिहेवियर उसको जांच के लिए जांच का आधार पर आगे कार्रवाई होगी। बाकी जो उनका चिट्ठी है उसका पुलिस ने काम कर रही है, उसका पूरा हर तरीके टेक्निकल एविडेंस इकट्ठा करवा रही है और उसके साथ साथ मैनुअली भी इनपुट कलेक्ट कर रहा है, उसका आपको जल्द से जल्द पेश कर सकते हैं।